बॉन्ड की फेस वैल्यू है $1,000 की, बॉन्ड का रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, विच इज $100, फेस वैल्यू पे होता है इसलिए तो फिक्स रहता है। सही है, मैंने इसमें क्या बताया, बॉन्ड पे तीन चीजें, क्या 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 चीजें होती है बॉन्ड पे, होता है फेस वैल्यू जो प्रिंट हुई हुई है, एक बॉन्ड है उस पर लिखा हुआ है $1,000 का बॉन्ड है तो लिखा हुआ है $1,000 उसकी फेस वैल्यू। सही है, उसके आगे लिखा हुआ है $1,000 का बॉन्ड है, चलो है। फिर उसका रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है साथ में, सही है, और ये रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है फेस वैल्यू के ऊपर कि फेस वैल्यू कितनी है, और साथ में उसकी मेच्योरिटी डेट लिखी होती है कि किस टाइम पे उसको इश्यूअर इनकैश करेगा। मैंने बॉन्ड खरीद लिया, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं जाके किसी और को भेज दूं, वो एक और बात है, लेकिन इसका इश्यूअर इसको इनकैश करेगा मेच्योरिटी डेट पे, उससे पहले नहीं करेगा। यानी गवर्नमेंट ने अगर बॉन्ड इश्यू किया है और गवर्नमेंट ने कहा 3 साल का बॉन्ड है तो वो 3 साल के बाद भी उसके पैसे देगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सही है, और कुछ इन सम केसेस इंटरेस्ट बीच में भी दिया जा सकता है। अच्छा, इस तरह से देखो, बॉन्ड की फेस वैल्यू है $1,000, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 10% ऑफ फेस वैल्यू विच इज $100। अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट 10% से बढ़ा के 12% कहता है, बॉन्ड इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ। अब लोग क्या करेंगे, बॉन्ड पे उनको 10% का रिटर्न मिल रहा है और सेविंग पे, बैंक सेविंग पे उनको 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, वो बॉन्ड को बेचना शुरू करेंगे क्योंकि उनको बॉन्ड में कम रिटर्न मिल रहा है। बॉन्ड को जब बेचेंगे तो बॉन्ड $1,000 से गिर के $900 का हो जाएगा। अब $900 फेस वैल्यू उसकी अभी भी $1,000 है, रिटर्न उस पर वही $100 का मिल रहा है। जब ये $1,000 का बॉन्ड $900 का बिकेगा तो उसके बाद जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो 11.1% का आ रहा है। ₹100 का रिटर्न $900 के ऊपर, तो इसलिए लोग खरीद रहे हैं उसको क्योंकि उनको रिटर्न पहले से ज्यादा मिल रहा है। जब ये बॉन्ड 833 का हो जाएगा ना, तो ऐसे टाइम पर बॉन्ड पे ही 12% का रिटर्न मिलेगा और बैंक पे ही 12% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है बॉन्ड प्राइसेस गिरती है उसको मैच करने के लिए, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती है। वैसे भी इंटरेस्ट रेट अगर मतलब फाइनेंशियल मार्केट के अंदर तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला प्रिंसिपल चलता ही रहता है।